हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर में आज हम यूनिट सेकंड के अंतर्गत लेंगे चैप्टर 10, जिसमें हमारा टॉपिक है टी, यानी कि चाय। देखिए, चाय का जो वनस्पतिक नाम होता है वो क्या है? कैमिलिया साइनेंसिस चाय का वनस्पतिक नाम है। जो इसका कुल होता है वो थियेसी कुल होता है, जिसके अंतर्गत चाय को रखा गया है। अब हम बात करेंगे इसके ओरिजिन, यानी कि इसकी उत्पत्ति के बारे में। तो देखिए, जो चाय थी, तो चाय की जो है उत्पत्ति जो थी वो चीन अथवा किसको मानी गई, भारत के क्षेत्रों को माना गया इसकी उत्पत्ति। अब इसकी खेती जो होती है वो कहाँ पे होती है? वो इसकी खेती होती है हमारी होती है भारत में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया आदि क्षेत्रों में इनकी खेती की जाती है। अब देखिए, अब हम देखेंगे इसके बॉटेनिकल कैरेक्टर के बारे में, यानी इसके वनस्पतिक लक्षण क्या है। तो देखिए, जो चाय है यानी कि टी है, उसका जो पौधा होता है कैसा होता है? सदा बहार होता है, बहुवार्षिक होता है, और कैसा होता है? 9 से 15 मीटर जो है ऊंचा वृक्ष होता है। किंतु क्या है कि बागानों में खेती के लिए इसे 1.5 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं होने देते। नेक्स्ट देखिए, और अधिक कटाई के कारण ये क्या होता है? श्रुब बन जाते हैं, यानी श्रब हो जाता है। और इसकी पत्तियाँ सरल, लगभग जो है पत्तियाँ सरल लगभग कैसी होती हैं? कटावदार होती हैं और किनारे वाली होती हैं। पत्तियों में अनेक क्या होते हैं? सुगंध युक्त तेल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और पत्तियों के वृक्ष में क्या होता है कि जो पत्तियों के कक्ष में एकल या समूह, यानी कि 3 से 5 में सफ़ेद या पीले पुष्प निकलते हैं। और इस पौधे के शीर्ष में क्या होता है कि 2 से 3 पत्तियां ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये तो हमने देख लिया क्या बॉटेनिकल कैरेक्टर किसका देखा? चाय का। अब हम बात करेंगे इसकी क्लाइमेट के बारे में, यानी कि इसकी जलवायु कैसी होती है। तो देखिए, जो चाय है, चाय की जो खेती होती है, याद रखिए वो कहाँ होती है? उपोषण पहाड़ी क्षेत्र इनकी खेती के लिए उपयुक्त होती है। और इसकी वृद्धि 100 से लगभग 150 सेंटीमीटर क्या होती है? वर्षा व 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाले क्षेत्रों में अच्छी होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो प्रवर्धन होता है वो बीजों के द्वारा इसका प्रवर्धन किया जाता है। और इसकी खेती के लिए जो है क्या होती है? जल निकासी तथा छायादार वृक्षों की आवश्यकता होती है। तो ये तो देखो, हमने बात की क्लाइमेट के बारे में। अब आइए हम समझते हैं इसकी प्रोसेसिंग के बारे में। आइए देखते हैं चाय की जो प्रोसेसिंग होती है वो किस प्रकार से होती है। तो देखिए, जो चाय की प्रोसेसिंग होती है, आप ये याद रखिए कि इसकी प्रोसेसिंग यानी कि जो प्रक्रिया, जो प्रोसेसिंग होती है, उसमें क्या होता है कि अगर हम बात करें तो व्यापारिक आधार पर चाय के मुख्यतः क्या होते हैं? मुख्यतः 3 वर्ग होते हैं। वो कौन कौन से वर्ग होते हैं? पहला तो आपका वर्ग होता है काली या किण्वित। दूसरा जो वर्ग होता है वो होता है हरी या अकिण्वित। तीसरा जो वर्ग होता है वो होता है उलांग या अर्ध किण्वित। ये हमारा क्या है? चाय की प्रोसेसिंग है। आप देखिए, जो काली तथा किण्वित प्रोसेसिंग होती है वो मुख्य रूप से, उसकी कितनी प्रक्रियाएं होती हैं? 5। वो 5 प्रोसेस होते हैं। वो 5 प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है मुरझाना।
उसके बाद होता है बेलन, उसके बाद हमारा होता है किण्वन, और उसके बाद हमारा होता है क्या, शुष्क, जो है शुष्कन, और उसके बाद हमारा होता है कोटि निर्धारण। तो मुरझाना जो होता है, मुरझाने में क्या होता है कि जब ताजी तोड़ी गई पत्ती में लगभग 75% भाग जल होता है, जिसको अगली प्रक्रिया के पहले लगभग 50% ये समझ लीजिए कम करना होता है। अब जिसको कम करना होता है उसके लिए क्या होता है कि इन पत्तियों को 16 से 24 घंटे क्या किया जाता है, ट्रे पर फैला दिया जाता है। और जब इसे फैला दिया जाता है, किंतु नम वातावरण होने पर इन पर क्या होता है, गर्म हवा जो होती है वो प्रवाहित करते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि पत्ती में जो नमी की कमी होती है वो क्या होती है, अल्प रूप से कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन विघटित होती है। तो ये तो हो गया मुरझाना, सबसे पहला प्रोसेस। अब हमारा आता है दूसरा प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, हमने आपको बताया बेलन, यानी कि आप रोलिंग। रोलिंग में क्या होता है, जो पत्तियां मुरझा जाती हैं यानी मुरझाई पत्तियों की कोशाओं को तोड़ने तथा कोशा रस को निकालने के लिए रोलिंग मशीन द्वारा बेलन प्रक्रिया की जाती है। इस विधि से क्या होता है, इस विधि से एंजाइम्स का, एंजाइम्स तथा क्या होता है, पॉलीफिनॉल्स का मिश्रण हो जाता है। अब देखिए, ये तो था हमारा दूसरा प्रोसेस। अब हमारा तीसरा क्या है, किण्वन यानी फर्मेंटेशन। तो किण्वन में क्या होगा, जब हमारी बेलन की प्रक्रिया हो जाएगी, तो बेलन प्रक्रिया के कारण क्या होता है कि सक्रिय पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम्स इसमें क्या होता है को ऑक्सीकृत कर ऑर्थोक्विनॉन बनाता है, ऑर्थोक्विनॉन बनाता है। और क्या होता है कि किण्वन के समय पत्ती में टैनिन का कुछ भाग ऑक्सीकृत होकर क्या करता है, ऑक्सीकृत होकर लाल और काला रंग उत्पन्न करता है। यह क्रिया 3 से 5 घंटे होती है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, किण्वन। अब होता है शुष्कन। शुष्कन में क्या होता है, देखिए शुष्कन में क्या होता है कि जब पत्ती का रंग बदल जाता है, तो रंग बदलने पर तब इतना सूखने देते हैं कि इसमें इसमें 3 से 4% रह जाए। उसके रहने के बाद क्या होता है कि इससे ऑक्सीकरण की जो ऑक्सीकरण की आगे की जो प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है। तो ये हमारा चौथा था शुष्कन। और अब पांचवा हमारा क्या होगा, कोटि निर्धारण। कोटि निर्धारण में क्या होता है कि शुष्कन के बाद जो कुछ पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, बड़ी टूटी हुई रहती हैं। अब जो होती हैं छोटी बड़ी, उनको क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, और अलग अलग करके विभिन्न कोटियों में हम कह सकते हैं उनको पृथक किया जाता है। तो ये था हमारा प्रोसेसिंग, किसका था, टी का यानी चाय का। अब हम देखेंगे किसके बारे में, चाय के प्रकार के बारे में, यानी उसकी कैटेगरीज क्या होती हैं, कैटेगरीज ऑफ टी। देखिए जो चाय है, तो चाय के प्रकार क्या होते हैं, सबसे पहला प्रकार होता है लेग कट चाय, दूसरा हमारा क्या होता है ग्रीन चाय, और तीसरा हमारा क्या होता है उलांग चाय। ये तीन कैटेगरी होती हैं किसकी, टी की। तो जैसा कि देखिए हमने जाना कि हमारी चाय की तीन कैटेगरीज हमने आपको बताई कि तीन कैटेगरीज होती हैं हमारी किसकी, चाय की। अब देखिए जो सबसे पहली कैटेगरी मैंने आपको बताई कौन सी, लेग कट चाय, तो ये आप समझ लीजिए कि ये क्या होती है, असम तराई वाले क्षेत्रों में इसे तैयार किया जाता है। ग्रीन चाय, इसमें क्या होता है कि इसको बिना किण्वन के तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, उलांग चाय। तो उलांग चाय क्या होती है, ये अमेरिका में काफ़ी प्रचलित होती है। तो ये तो हमने आपको बता दिया क्या कि
कैटेगरीज ऑफ टी के बारे में कि क्या क्या कैटेगरीज होती हैं किसकी चाय की। अब देखिए, अब चाय की कैटेगरीज के बारे में हमने बात की। अब हम जानेंगे कि भारत में चाय उद्योग के बारे में कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं, तो ये समझ लीजिए कि भारत में सर्वाधिक यानी विश्व का सर्वाधिक चाय जो उत्पादक होता है उत्पादक वाला देश होता है। और देश की सबसे अधिक क्या होती है कि विदेशी मुद्रा इसके निर्यात से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम ये भी कह सकते हैं कि भारत में लगभग 600 चाय कंपनियां हैं, जिसमें से आसाम टी कंपनी सबसे बड़ी है। तो ये तो हमने पढ़ा चाय के बारे में यानी टी के बारे में, जिसमें हमने उसके वनस्पतिक नाम को जाना, उसके कुल को जाना, उसके ओरिजिन को जाना। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे कॉफ़ी के बारे में। आई होप आज का टॉपिक आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।